Assalamualaikum viewers, welcome to my channel और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैगन पकौड़ा की रेसिपी और इसे हम लोग बैगनी भी कहते हैं। तो आप लोग आपके शहर में इसे क्या कहते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। हमें ले लेना है बैगन और बैगन हमें सॉफ्ट लेना है और बैगन को हम स्लाइसेस में काट लेंगे। तो मैंने इस बैगन को स्लाइसेस में काट लिया है पतले पतले, तो आप चाहे तो स्लाइसर की मदद से भी काट सकते हैं। तो मैंने थोड़ा से गोल शेप और थोड़े से स्क्वायर शेप में काटा है। आपको जो मनचाहा आप जैसा काटना चाहे उस हिसाब से आप भी काट लें। और अब इस बैगन को हम नमक वाले पानी में डिप करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल प्लेन वाटर लिया है, वहां पर मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक और इसको अच्छे से इसको घोलने के बाद मैं सारे बैगन को इसके पानी में डिप कर दूंगी। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा बैगन है वो काला नहीं पड़ता है। अदरवाइज आप बैगन काट के अगर रख देते हैं तो वो काला पड़ जाता है, अगर ऐसे रखेंगे तो वो काला नहीं पड़ेगा। आइए इसके हम बैटर की तैयारी करते हैं। तो हमें लेना है एक कप बेसन, उसमें मैंने हाफ कप चावल का आटा, चुटकी भर मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला हुआ है। और नमक आपको डालना है स्वाद अनुसार और कटा हुआ हरा धनिया जो कि मेरी रेसिपी में मस्त है। अच्छे से इन सबको मिक्स करिए और इसका एक घोल बना लीजिए। तो हमें जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। आपको इतना बनाना है कि जो बैगन है वो अच्छे से कोट कर ले। ये देखो बेसन जो है बैगन को अच्छे से कोट कर ले, इतना बनाना है और उसको आप फ्राई कर ले। तो फ्राई करने के में एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जब फ्राई करें तो तेल हमारा मीडियम हॉट पे हो। बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो जो हमारा बैगन है ऊपर का पार्ट वो जल जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं, और अगर ठंडा होगा तेल तो ये बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मीडियम हॉट पे ही हमें तेल इसमें बैगन को फ्राई करना है और मीडियम आंच में ही फ्राई करना है। हम दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। और आपको एक टिप और बता रही हूँ, जैसे आप बैगन डालें तुरंत ही ना पलटें, उसको 2-3 मिनट अच्छे से रहने दें उसके बाद उसको पलटें। और ये देखिए हमारा इतना अच्छा सा बैगन फ्राई रेडी है जिसे हम बैगनी कहते हैं। आप इसे पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।